नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि केरल और तटीय कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र में जो इस समय एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा तक की वर्षा देखने का दौर और भारी से अति भारी वर्षा कई स्थानों पर मिलने का जो इस समय पिछले 2 से 3 दिनों से जो सिलसिला है वो अगले 2 दिन तक और जारी रहने वाला है और उसके पश्चात इसमें सार्थक रूप से कमी देखी जाएगी और इसके साथ ही साथ पूरे भारत पर जो मानसूनी दशाएं हैं वो अगले 3 दिन तक प्रायः सक्रिय अवस्था में दिखेंगी और उसके बाद भी मानसून की दशाएं सक्रिय रहेंगी, लेकिन हम देख पाएंगे कि जो मानसून और उसके साथ में पश्चिमी विक्षोभ की अंतःक्रिया होगी और पूरा पूरा जो हमारा भारी से अति भारी वर्षा का जो दौर होगा वो उत्तर पश्चिमी भारत पर सीमित हो जाएगा। तो आइए हम विस्तार से देखते हैं कि अभी आज की जो सिनॉप्टिक सिचुएशन है, आज हमारा एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे सटी हुई पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और यहाँ से एक शियर जोन देखे जाने में आ रहा है जो कि मध्य क्षोभ मंडल में विस्तृत है और इस शियर जोन और साथ ही साथ एक ऑफशोर ट्रफ, एक तट के अपवर्ती अपतटीय एक हमें ट्रफ लाइन, अल्प दबाव की एक रेखा भी जो लगातार बनी हुई है जो कि इस सारी वर्षा का कारण है केरल और कर्नाटक और तटीय महाराष्ट्र पर, यह भी काफी सक्रिय दशा में है। तो इसके प्रभाव में यदि हम देखें तो कल हमने जैसा कि इसकी हम पिछले 5 दिनों से इसकी पूर्वानुमान इसका करते चले आ रहे हैं कि केरल पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और साथ में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। तो आज यदि हम देखें तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पर 19 सेंटीमीटर तक की वर्षा आज हमें देखने में आई है पिछले 24 घंटे के दौरान, आज सुबह 8:30 बजे तक, और इसके साथ साथ भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा कई स्थानों पर देखने को केरल पर मिली है। तो आज भी यदि हम देखें तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पर जो अत्यंत भारी एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा उसकी संभावना आज भी रहेगी और इसके साथ ही साथ कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम और अलपुझा और कोट्टायम और पथनम थिट्टा पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा की संभावना बनी रहेगी छिटपुट स्थानों पर। और इसके साथ ही साथ इस सारे केरल के इस पूरे क्षेत्र पर अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर पाए जाने की संभावना रहेगी। और कल यदि हम देखें तो ये जो भारी से अति भारी वर्षा का जो क्षेत्र है ये पूरी तरह उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और हम पाएंगे कि कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। और उसके बाद नीचे यदि हम आते हैं तो पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलप्पुझा और पथनम थिट्टा पर ये जो भारी से अति भारी वर्षा है ये केवल भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी। और इडुक्की जिले पर कल भी भारी से अति भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी और उसके बाद फिर इस वर्षा में और कमी आती हुई देखी जा सकेगी। और फिर यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो आज यदि हम बात करें तो रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा और कोल्हापुर पर भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर और साथ ही साथ सिंधुदुर्ग पर अत्यंत भारी एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स छिटपुट स्थानों पर मिलने की उम्मीद रहेगी। और साथ ही साथ जो हमारी हल्की से मध्यम वर्षा है वो लगभग सभी स्थानों पर महाराष्ट्र के अगले 3 से 4 दिनों तक लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा पाई जाएगी। और यदि हम कल बात करें तो हमारे रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों पर अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा जिसे लाल रंग से यहाँ निरूपित किया गया और नासिक, पालघर, थाने, मुंबई, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा की उम्मीद रहेगी। और यदि हम 7 तारीख को बात करें तो पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा पर भारी से अति भारी वर्षा और ये 8 तारीख को भी इसके जारी रहने की संभावना पालघर, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी और कोल्हापुर पर रहेगी। और जहां तक मुंबई का सवाल है तो 7 तारीख को मुंबई पर भारी वर्षा की तीव्रता में 6 तारीख की अपेक्षा कमी आएगी और केवल भारी वर्षा की संभावना रहेगी और 8 तारीख को जो मुंबई पर वर्षा होगी वो केवल मध्यम तीव्रता की वर्षा देखी जा सकेगी। और इसके बाद में फिर इस वर्षा में और उत्तरोत्तर कमी आते हुए जो मानसून का पूरा जो सिस्टम होगा वो पूरी तरह पश्चिमोत्तर भारत की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और यदि हम आज देखें तो बुलढाणा, वासिम और यवतमाल, विदर्भ के ये भारी से अति भारी वर्षा यहाँ पर संभावना रहेगी
और अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर संभावना रहेगी। और इसके साथ अमरावती, वर्धा, यवतमाल पर कल भारी से अति भारी वर्षा, और साथ ही भारी वर्षा बुलढाणा, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर और गढ़चिरौली पर कुछ स्थानों पर संभावना इसकी रहेगी। और इन अगले 5 दिनों तक पूरे विदर्भ पर जो वर्षा की जो तीव्रता है वो हल्की से मध्यम वर्षा और लगभग सभी स्थानों पर पाई जाने की संभावना अनवरत जारी रहेगी। और फिर यदि हम जैसा कि शियर जोन के बारे में देख चुके हैं, तो हमारा जो शियर जोन है ये धीरे धीरे उत्तरोत्तर स्थानांतरित होगा, और उसके प्रभाव में यदि हम बात करें तो 7 तारीख को अमरेली, भावनगर और आनंद पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, और साथ ही सुरेंद्र नगर, बोटाद, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड़ और साथ ही दमन पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी और डांग जिलों पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर इसकी संभावना रहेगी। और यदि हम पूरे क्षेत्र की बात करें अगले 5 दिन तक, तो हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेके और लगभग सभी स्थानों पर देखी जाएगी यहाँ पर गुजरात पर। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो 8 तारीख को कच्छ और जामनगर पर अत्यंत भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर, और साथ ही भारी से अति भारी वर्षा, और देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा पर भारी से अति भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा छिटपुट स्थानों पर इसकी संभावना रहेगी। और पीले रंग से दर्शाए गए जो जिले हैं यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और उसके बाद यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जैसा कि कल भी वार्निंग इश्यू की गई थी और उसके पहले भी लगातार चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश पर भारी वर्षा की जो कल हमने चेतावनी जारी की थी उसके अनुसार शाहजहांपुर और इसके आसपास के 2-3 जिलों में भारी से अति भारी वर्षा दर्ज भी की गई है आज सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान। और फिर आज के अगले 24 घंटे के लिए यदि हम बात करें तो बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती पर जो कि यहाँ पर ऑरेंज कलर से दर्शाए गए हैं यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर इसकी संभावना रहेगी। और इसके साथ में हम यहाँ ऊपर से शुरू करके पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, रामपुर से और संभल और बदायूं, कासगंज से लेते हुए फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और मऊ तक, आजमगढ़ तक हमें भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर, और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा इस पूरे क्षेत्र पर, पूरे उत्तर प्रदेश पर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। और इसके बाद में जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है, और इस पश्चिमी विक्षोभ का यह पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी हवाओं के साथ एक अंतःक्रिया करेगा, और उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर 8 तारीख की रात्रि में ही हमें भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ 9 तारीख को इस वर्षा की तीव्रता में और अधिक इसमें वृद्धि होने की उम्मीद है, और उसके प्रभाव में जैसा कि हम यहाँ पे ऑरेंज कलर से हमने दर्शाया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर और मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर पाए जाने की उम्मीद 9 तारीख को रहेगी। और इसमें यदि हम विशेष तौर पर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर के जो जिले हैं वहां पर आज भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर, और चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और ऊना पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर संभावना रहेगी। और फिर उसके पश्चात इन सभी जिलों पर 6 तारीख से लेकर के और 8 तारीख तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। और उसके बाद में 9 तारीख को जैसा कि हमने देखा कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आएगा, और उसके प्रभाव में कांगड़ा,
कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमारे शिमला पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना 9 तारीख को रहेगी, और साथ ही साथ बाकी बचे हुए इन जिलों पर जिनमें किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर शामिल हैं, इन पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर संभावना रहेगी। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा की यदि बात करें तो ये अगले 5 दिन तक पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे हमारे पश्चिमोत्तर भारत पर हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेके लगभग सभी स्थानों पर जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।